तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अगला प्रायोगिक कक्षा के लिए जो स्तंभ हम समझेंगे वो अरिस्टोलोकिया है। अरिस्टोलोकिया जो कि अरिस्टोलोकिया सिकुल के अंदर क्लासिफाई किया जाता है और द्विबीजपत्री तनों के अंदर अगर हम देखें तो ये एक विशेष द्वितीयक वृद्धि के लिए जाना जाता है, जिसमें इस तने के अंदर चौड़ी चौड़ी मृदुत्तक पट्टियाँ द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है और पूरा तना फ्रैक्चर्ड दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जय जाइलम का पूरा सिलेंडर जो है वो कई सारे टुकड़ों में बांट दिया गया हो। और इसी विशेष लक्षण के कारण अरिस्टोलोकिया के स्तंभ को प्रायोगिक कक्षा में प्रायोगिक कार्य हेतु कार्य में समझा जाता है। अरिस्टोलोकिया इज ए लाइनेन और हम कह सकते हैं कि एक वूडी क्लाइंबर होता है जिसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ ओनली पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज बाय द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द वेस्कुलर टिश्यूज इन द फेस्कुलर रिजर्व्स। यहाँ पर दो प्रकार की कैम्बियम के बारे में बात की गई है, एक कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरी कहलाती है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम या जिसे हम कहते हैं कि जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अंतरापुली एधा, ऐसी एधा जो कि वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर पाई जाती है उसे हम अंतरापुली एधा कहते हैं। और ऐसी एधा जो कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में निर्माण होती है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरपुलीय एधा कहलाती है। तो अरिस्टोलोकिया के अंदर पुली एधा और अंतरपुली एधा दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के एक रिंग का निर्माण करती है और इस रिंग में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और जिसे हम कहते हैं अंतरपुली एधा जो कि दो पुल के बीच में होती है वो मृदुत्तकीय उत्तकों का निर्माण करती है और आगे चल करके वो मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, जबकि पुली एधा जो कि वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अरिस्टोलोकिया स्टेम शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अरिस्टोलोकिया के स्तंभ में जो प्राथमिक लक्षण पाए जाते हैं उसके अंदर उसकी एक एपिडर्मिस जो कि एक स्तरीय होती है और उसकी बाहरी परत के ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। जो उसका कॉर्टेक्स होता है वो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, मध्य में मृदुत्तकीय भाग और अंदर की तरफ स्टार शीथ के रूप में उसमें कोशिकाएं पाई जाती है। बोथ दी कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। इसकी कोण स्थूल कोण उत्तकीय और मृदुत्तकीय कोशिकाओं के अंदर कई सारे हरित लवक पाए जाते हैं और नीचे की ओर जो स्टार्च की शीत होती है उसके अंदर स्लैंकाइमेटा के कंटिन्यूस बैंड्स पाए जाते हैं। और ये सबसे बाहर की ओर एक पेरिसाइकिल जो कि पूरी स्टील को या रंब को घेर के रखती है उसका सबसे बाहर की लेयर के रूप में पाया जाता है। अगर हम इसका स्टील या रंब देखें, ब्रॉड मेडुलरी रेज कंपोज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स अकर्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल एक रिंग में पाए जाते हैं और वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में चौड़ी चौड़ी मृदुत्तकीय किरणें पाई जाती है जो कि मृदुत्तकीय कोशिकाओं की बनी होती है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज फिल्ड विद पैरेन्काइमेटस पिथ। केंद्र के अंदर उसमें जो है मृदुत्तकीय मज्जा पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग में पाए जाते हैं। वो संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं और खुले हुए होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होने के साथ साथ इसमें पैरेन्काइमेटा सेल्स की जो कोशिकाएं होती है वो फेसिकुलर कैम्बियम की लाइन के अंदर मृदुत्तकीय हो जाती है और मृदुत्तकीय होने के साथ साथ में विभाजित करने की क्षमता धारण कर लेती है और अंतरपुलीय एधा का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दो प्रकार की एधा का निर्माण होता है, एक वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर पाई जाती है जिसे हम पुली एधा कहते हैं और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो एधा पाई जाती है उसे हम अंतरपुली एधा कहते हैं। तो पुली एधा और अंतरपुली एधा दोनों ही मिलकर के एक रिंग का निर्माण करती है जो द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करने का कार्य करती है। दोनों ही एधाओं के मिलने से आगे चल करके इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुली एधा होती है ऐसी एधा जो कि वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर पाई जाती है वो अपने ऊपर प्राइमरी जाइलम होता है और
ऊपर नीचे की ओर प्राइमरी जाइलम होता है और ऊपर की ओर प्राइमरी फ्लोएम होता है। और ये पुली एधा जब द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करती है तो प्राइमरी फ्लोएम को ऊपर की ओर धकेल देती है और प्राइमरी जाइलम को नीचे की ओर धकेल देती है। जब पुली एधा के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है तो पुली एधा नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है और ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, और इस दबाव के कारण सेकेंडरी जाइलम नीचे की ओर क्रस होता जाता है जबकि प्राइमरी फ्लोएम जो कि ऊपर की ओर पुश होता जाता है। तो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम जो है वो दोनों ही पुश होकर के नीचे या ऊपर की ओर चले जाते हैं और सेकेंडरी जाइलम का एक सिलेंडर जो कि द्वितीयक वृद्धि के रूप में बनता जाता है। बैंड्स ऑफ सीव एलिमेंट्स अल्टरनेट विद द बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा एंड द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर सीव एलिमेंट्स के साथ साथ में पैरेन्काइमा के बैंड भी पाए जाते हैं और पूरे वेस्कुलर बंडल के अंदर वो आकार के अंदर बड़े हो जाते हैं और फेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के साथ साथ में इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण ऊपर की ओर होता जाता है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो भी अपने आउटर और इनर साइड पर टिश्यू काटने का काम करती है जो कि मृदुत्वकीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये मृदुत्वकीय कोशिकाएँ मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, और मेडुलरी रेज का निर्माण होने से जो पूर्व में उपस्थित मेडुलरी रेज होती है उनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इस प्रकार जो केंद्र के अंदर उपस्थित पित्त होती है वो आकार के अंदर छोटी होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, जबकि जो उसके कंटिन्यूस सिलेंडर ऑफ स्प्लेनकाइमा जो होते हैं वो रप्चर होकर के डिस्टर्ब हो जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और मेडुलरी रेज के अंदर उस रीजन के अंदर ये पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा उसको फिलअप कर लिया जाता है, गैप जो है वो बनते जाते हैं और पैरेन्काइमा सेल्स के चारों ओर बढ़ती जाती है। स्क्लेरेन्काइमा के जो रप्चर्ड बैंड्स होते हैं वो स्क्लेरोसिस हो जाते हैं और स्क्लेरिड का निर्माण कर देते हैं, और हाइपोडर्मल कोलेन्काइमेटस बैंड्स जो होते हैं वो भी प्रेशर के कारण टूट जाते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स जो है कॉर्टेक्स के अंदर ये इस गैप को भरने का काम करती है। द एपिडर्मल सेल्स ऑल्सो रप्चर्स एंड पेरीडर्म डेवलप्स इन द सब एपिडर्मल लेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसके अंदर जो कॉर्टिकल रीजन होता है उस कॉर्टिकल रीजन के अंदर भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाहर की तरफ एक फेलोजन का निर्माण होता है जिसे हम कोर कैम्बियम कहते हैं, और वो कोर कैम्बियम ऊपर की और कोर कोशिकाओं का निर्माण करती है और नीचे की तरफ जो है वो फेलोडर्म का निर्माण करती है जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कोर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक उत्तक द्वितीयक बलकुट जो बनता है वो एपिडर्मल रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। लेंटिसेल्स का निर्माण होता है स्टेम की सरफेस के अंदर, कई सारे इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, और इस प्रकार से अरिस्टोलोकिया के तने के अंदर ऊपर और जब हम कह सकते हैं एपिडर्मल रीजन कॉर्टिकल रीजन के अंदर और साथ साथ में वेस्कुलर रीजन के अंदर दोनों ही ओर द्वितीयक वृद्धि हमें होती हुई दिखाई देती है। लेकिन मुख्य कैरेक्टर या मुख्य लक्षण इसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया है, इसके अंदर जैसा कि बाहर की तरफ इसमें दिखाया गया है कि ये कोर की कोशिकाएं दिखाई गई है, कोर सेल्स हैं, इसके अंदर की ओर जो वो फेलोजन दिखाई गई है, और यहाँ अंदर की ओर जो इसमें फेलोडर्म दिखाई गई है, और इसके बीच बीच में जहाँ पर भी उसको हम लेंटी सेल्स कहते हैं जो कोर के अंदर पाए जाते हैं, ये वेस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर इसमें दिखाए गए हैं, इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि का निर्माण दिखाया गया है जिससे प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर आ गया है ये, और सेंटर के अंदर ये पित्त है, ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम जो है वो निर्मित हो रहा है, प्राइमरी जाइलम बिल्कुल नीचे की ओर चला गया है क्रस होकर के, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो इसमें बनता हुआ दिखाई देता है। साथ साथ में इन सारे वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में जो स्थान दिखाई दिया है वहाँ पर मेडुलरी रेज का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसके वेस्कुलर बंडल कंटिन्यूस जाइलम सिलेंडर के रूप में न होकर के फ्रैक्चर्ड या टुकड़ों में टूटे हुए दिखाई देते हैं। अगर आप इसका नॉर्मल वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो आप एक रिंग के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक रिंग में है वेस्कुलर बंडल, और यही क्रम इसका आगे भी जारी रहता है क्योंकि इसके बीच बीच में जहाँ पर भी स्थान है वहाँ पर मेडुलरी रेज जो कि छोटी छोटी पट्टिकाएँ बनती हैं, और वो अंतर पुलीय एधा के द्वारा दो पुल्स के बीच में जो एधा होती है उसके निर्माण के कारण ऐसा होता है। तो अरिस्टोलोकिया जो कि अपने इस प्रकार के विशिष्ट द्वितीयक वृद्धि के कारण जाना जाता है, इसमें दो प्रकार की एधाओं का
निर्माण होता है। एक केधा वैस्कुलर बंडल के अंदर बनती है, जिसे हम जो कि अंदर से पहले से ही प्रेजेंट होती है, जिसे हम फेसिकुलर कैम्बियम या अंतरापुली एधा कहते हैं, और दूसरी एधा जो कि वैस्कुलर बंडल के बाहर की ओर, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में इसका निर्माण होता है, जिसे हम अंतरपुली एधा कहते हैं। पुली एधा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, और अंतरपुली एधा मृदुतिकीय कोशिकाओं का निर्माण करके मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, और ये मेडुलरी रेज छोटी छोटी हो जाती है, और इसी कारण से पूरा जाइलम सिलेंडर कई सारे टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम फ्रैक्चर्ड जाइलम कहते हैं या फ्रैक्चर्ड जाइलम सिलेंडर कहते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर ये सारी मृदुतिकीय किरणें दिखाई दे रही है, ये सारे जो आपको लंबे लंबे पट्टे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेडुलरी रेज के दिखाई दे रहे हैं, और इसके बीच में ये जाइलम के सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं सारे, जितने भी हैं जिसके अंदर गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे वेसल्स और ट्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अगर और पार्ट पार्सल अगर इसको और सेलुलर फॉर्म के अंदर देखें यहाँ पर, तो और आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसके अंदर ये मेडुलरी रेज दिखाई दे रही है और ये जाइलम के सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अरिस्टोलोकिया का उदाहरण प्रायोगिक कक्षा के अंदर इसलिए पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि के दौरान सेकेंडरी उत्तकों का निर्माण होता है, साथ साथ में छोटी छोटी मृदुतिकीय पट्टियाँ किस प्रकार से बनती है, उसको समझाने के लिए अरिस्टोलोकिया का उदाहरण दिया जाता है। धन्यवाद। ओके, बाय।